पहले तो फिल्म का नाम मैं क्लियर करूंगा, सांसें दे लास्ट ब्रीथ है, ये हॉरर फिल्म है। ओके। और काफी आप लोग ने हॉरर फिल्म देखी हुई आज के जमाने की, लेकिन ये कुछ आपको नई टेक्निक के साथ दिखाई देगी। इस फिल्म का प्लस पॉइंट ये है कि ये एक हॉलीवुड से कनेक्टेड है लेकिन इंडियन स्टाइल में बनाई गई मूवी है, और आपको बहुत ज्यादा इसमें इंडियनपन दिखेगा। जैसे कि आजकल आप देख रहे हैं राज, जो कि सब मेरी सुपरहिट फिल्म थी विक्रम बाजी की, उसी जॉर्नर की फिल्म है, लेकिन कुछ इसमें आपको डिफरेंट दिखेगा। ओके। जैसे कि अभी इस फ्राइडे को दो बड़ी फिल्में रिलीज हुई है, लेकिन किसी की भी अच्छी कहानी नहीं है, सो इसके बारे में क्या कहना है? लाइक ऑब्वियसली जैसे फिल्म मेकर जब स्टोरी फिल्म बनाते तो स्टोरी कहीं ना कहीं खो जाती है, तो क्या बोलना है इसके बारे में? देखिए, स्टोरी का सवाल रहा तो मैंने अभी तक तो जितनी फिल्म चॉइस की सब अच्छी थी। माय फ्रेंड मनीषा आपने देखी होगी, पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री, पार्ट फोर भी रिलीज है, तो स्टोरी तो मैं अच्छी सिलेक्ट करता हूँ। इसकी भी बहुत अच्छी स्टोरी है और ये भी कहीं ना कहीं गॉड से कनेक्टेड है, हॉरर है पर गॉड से कनेक्टेड है। ओके। तो जहाँ तक ऑडियंस का और फैमिली का सवाल है, मुझे लगता है फिल्म उन्हें अच्छी लगेगी। डेफिनेटली ये कंटेंट रिवील और स्टोरी, ये आपने सही कहा कि अगर स्टोरी हो तो ही फिल्म चलती है, और मेरे हिसाब से हमने स्टोरी पे बहुत मेहनत की है, और ये कहानी में पिछले 1.5 साल से इस पे वर्क कर रहा था, तो ऑडियंस को अच्छी लगेगी उम्मीद है। ओके। और अपने कुछ टैक्टर्स के बारे में इंट्रोड्यूस कीजिए। फिल्म में रजनीश दुग्गल है, जिनको आपने काफी हॉरर फिल्म में देखी हुई है, 1920, लास्ट उनकी एक पहली लीला आई थी। उसके बाद इसमें हम इंट्रोड्यूस करें सोनारी का भदौरिया, जिनको आपने देवों के देव महादेव में देख चुकी है, पार्वती एज अ पार्वती। इसमें हितेन तेजवानी है, जो कि बहुत पॉपुलर है क्योंकि सास भी कभी बहू थी से गंगा सीरियल तक काफी पॉपुलर है। इसमें एक और एक्ट्रेस है नीता शेट्टी, जो कि आपको टीवी में काफी दिखाई देती है। तो इस फिल्म की जो कास्टिंग थी उस पर भी काफी मेहनत, काफी लुक टेस्ट के बाद ये कास्टिंग फाइनल की गई थी, और हर कैरेक्टर अपने रोल में एकदम फिट बैठा हुआ है इस फिल्म में। ओके। आजकल हॉरर फिल्म मल्टीप्लेक्स और सिंगल स्क्रीन दोनों में काफी चलती है, क्योंकि मल्टीप्लेक्स के जो लोग हैं उनको भी हॉरर पसंद है, सिंगल स्क्रीन का तो पहले से ही पसंद है। और एक्शंस भी हो जाए वो भी सिंगल स्क्रीन को ज्यादा पसंद है। और इसमें सारा मसाला आपको मिलता है, इसमें आपको एक हॉरर टच मिलता है, आपको एक रोमांटिक मिलता है। मेरी फिल्म बाय द वे रोमांटिक हॉरर मूवी है। इसके गाने ऑलरेडी सब टॉप 20 में चल रहे हैं, दो गाने तो दो दो तीन तीन मिलियन सॉन्ग्स हो चुके हैं, सारे गाने को दो दो दिन में काफी अच्छी इसको हिट्स मिली हुई है। प्लस अरमान मल्लिक, अरिजीत सिंह, ऐसे सब सिंगर है इस फिल्म के अंदर। नहीं, गानों की अगर बात करें तो ऑब्वियसली एडिल है मुश्किल के गाने टॉप 4 से कभी हटे ही नहीं, लेकिन मूवीज की मूवीज देखिए, मैंने आपको कहा कि कंटेंट के साथ कंटेंट के साथ होना चाहिए, तो गाने के साथ जो स्टोरी मेरी है वो बहुत अच्छी है, और जहाँ तक मुझे भी उम्मीद थी कि ऐ दिल है मुश्किल बहुत अच्छी फिल्म होगी, लेकिन वो भी उम्मीद मेरे को भी थी। हाँ, पर डिसअपॉइंट हो गया। मैं थिएटर में जब फिल्म देखा तो मैं बोला कि मतलब करण जोहर और ऐसी फिल्म, लेकिन एनीवे तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कहीं ना गड़बड़ हो जाता है पिक्चर बनाने के टाइम में, पता नहीं चलता है। लेकिन मैं खास करके मेरी फिल्म के बोलूँगा, मेरी फिल्म एक बहुत 2 घंटे की फिल्म है और बहुत टची फिल्म है, और सिंपल सी कहानी बताऊंगा कि हमारी जो हीरोइन है वो सिंगर है, क्लब के अंदर बहुत पॉपुलर सिंगर है, और उसकी लाइफ में पहले से एक गोस्ट है जो उसको पहले से परेशान करते आ रहा है उस कैरेक्टर को, और वो किसी से उसकी लाइफ में उसका बोलना चालना सब बंद है, किसी से बात भी नहीं करती है, वो सिर्फ जी रही है तो अपनी एक छोटी बहन के लिए जी रही है बस, और वो जी नहीं रही। इसी बीच में रजनीश दुग्गल जो कि हीरो प्ले कर रहे हैं वो उनकी लाइफ में आती है, उन्हें इसकी बात पता चलती है, तो वो फुल कोशिश करके उस गोस्ट को उसकी लाइफ से निकालने की कोशिश करते हैं, और उसको निकालने के लिए वो हितेन तेजवानी और नीता शेट्टी की मदद लेते हैं। ओके।